फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री कोलकाता पहुंचे हैं विवेक जी कोलकाता कैसे बस अब कोई और नहीं आ रहा था मैंने कहा मैं ही चलता हूँ तो ऐसा मुझे आई वॉज वेरी बिजी माई फिल्म इज गोइंग ऑन विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बंगाल तो मैं बंगाल चार पाँच साल से काम कर रहा हूँ पर मुझे ऐसा लगा कि नो बडी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बंगाल इज स्टैंडिंग अप एंड स्पीकिंग द वे शुड बी डन हाँ होता क्या है हम लोग सोशल मीडिया में वी राइट वन ट्वीट और वन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड हमारा गिल्ट क्लियर हो जाता है एंड वी थिंक चलो भाई हमने तो अपना काम कर दिया पर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीट की सड़क की लड़ाई सड़क पर ही लड़नी पड़ेगी एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स सिम्बोलिकली इट्स विजुअली सिम्बोलिक एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ यंग पीपल गेट दिस मैसेज इस्पेली द सिविल सोसाइटी आर्टिस्ट सिंगर्स पेंटर्स ऑथर्स फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस, एवरीबडी गेट्स दिस स्ट्रेंथ कि अच्छा चलो वी आर सेफ हम कर सकते हैं अदरवाइज पीपल थिंक्स एवरीबडी सेज कि नहीं आप बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते मैंने भी कल वीडियो डाला तो सब नीचे देखिए आप पढ़िए क्या लिख रहे हैं कि यू यू वॉन्ट बी अलाउड टू डू इट यू वॉन्ट बी सेफ और मेरे साथ हो चुका है बड़े अटैक्स हो चुके हैं मुझ पर फिजिकल अटैक भी यहाँ पे बंगाल में सो देट्स वाई आई सेट कि इफ़ आई डू दैट इट विल एनकरेज एंड इंस्पायर लॉड अफ पीपल टू डू समथिंग विच दे डीम फिट फॉर देम आप आज रैली में हिस्सा लेंगे जी आपके साथ शुभेंदु अधिकारी भी होंगे नहीं आई थिंक सो शुभेंदु अधिकारी का भी कार्यक्रम है उसी हो सकता है कॉल फ्यू एक्ट्रेस एंड एक्टर्स एंड सी कौन होता है कौन नहीं होता मुझे पता नहीं है बट uh, मैं जो हूँ मेरे को कोई आई अ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ओके इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अलाइंट आई हैव एन आइडियोलॉजी एंड आई हैव फाइट फॉर दैट एंड आई स्टैंड अप विथ दैट पर ये जो मैं आया हूँ इट हैज नथिंग टू डू विद इट हैज प्योरली एज एन आर्टिस्ट एज अ राइटर मोर एज अ राइटर दैन फिल्म मेकर आई हैमर वी आर बिन रिसर्चिंग फॉर लास्ट फोर फाइव ईयर हम चार पाँच साल से बंगाल पर रिसर्च कर रहे हैं हिस्ट्री और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे हो चाहे नोखली हो हर जगह रेप हैज बीन यूज एज अ वेपन इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेप्स जो हैं वो डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में हुए हैं इतने कहीं और एज अ वेपन एज अ स्ट्रेटजी यूज किया गया है और बांग्लादेश में 1971 में सेम थिंग जब हुआ इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें इससे ज्यादा रेप मुझे नहीं लगता है वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी हुए जितने नाइनटीन में हिंदू लोगों के साथ बांग्लादेश में हुए और वो चला ही आ रहा है तो मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ आप कहीं भी आप छोटे आप कैलकाटा के बाहर जाइए

सारी दुनिया जानती है चार पाँच साल से बना रहा हूँ कोई ऐसा नहीं कि इसके कारण बना रहा हूँ मैं तो कब से अनाउंसड है वो तो सो so, और मैं आता भी जा रहा हूँ मेरी बहुत टीम यहाँ पे काम करती रहती है तो so, रिसर्च के लिए स्पेशली सो so, तब से ये चला आ रहा है कि रेप अगेंस्ट वुमेन और वुमेन अगेंस्ट वुमेन एनीथिंग और अगर आज भी यही हो रहा है सन दो में और वो भी जब यहाँ की लीडरशिप इज बींग हेल्ड बाय अ वुमेन

कोई इसलिए नहीं बोल पा रहा है इसके अगेंस्ट कि लोगों को डर लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा यहाँ एक सेकंड में एफआईआर करते हैं एक सेकंड में यहाँ की जो पुलिस है आपको अरेस्ट करती है आप एक ट्वीट नहीं लिख सकते अभी नहीं इन नॉर्मल टाइम्स ऑल्सो यू कैन राइट अ ट्वीट एनी मैं मेरे ही मैं आया था मेरी बुक का लॉन्च था यहाँ मॉल में लास्ट मिनट पर कैंसिल करवा दिया आपकी गवर्नमेंट ने उसको मेरे लड़के आए थे रिसर्च करने उनको पकड़ लिया पुलिस ने उठा के इट्स there's a problem okay there are only two places in this entire world where i am not i can't shoot calcutta oh sorry kashmir and bengal everywhere else i can shoot i don't have to think क्या आप तो कर रहे हैं कश्मीर बिल्कुल ये आप देखिए आपको नहीं समझ में आ रही है और लोगों को सब अच्छा लग रहा है कश्मीर में ही हम जाते थे फिल्में बनती थी और कश्मीर की कली और शम्मी कपूर गाना गाते थे राजेश खन्ना गाना गाते थे जय जय शिवशंकर लोग कहते थे वाह 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 कश्मीर पर अंदर 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 वो ब्रू कर रहा था आज कैलकाटा के अलावा यू टेल मी विच इज द अदर नेम सेकेंड प्लेस इन कैलकटा वेयर एनी बडी एल्स कैन हु डजेंट लिव इन बंगाल कैन से अच्छा यहाँ चलो घूमने चलते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट सेफ्टी इवन वंस सवाल उठाएगी कि आप आए अपने फिल्म का प्रचार करने के लिए हाँ तो क्यों हम, तो, political, political को ही है, प्रचार करने में क्या गलत बात है कोई गुनाह है क्या फिल्म का प्रचार करना और मेरी फिल्म में कोई ऐसा थोड़ी लव स्टोरी बनाता हूँ बॉलीवुड टाइप की लाला लैंड वाली चार चार पांच साल अपनी जिंदगी लगाता हूँ जिंदगी रिस्क पे लगाता हूं मेरे ऊपर फतवे हैं मैं बंगाल में आया मेरे ऊपर फिजिकल अटैक किया जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो रिस्क लेता हूं कि नहीं लेता हूं जिंदगी की तो कौन आदमी लेता है अपनी जिंदगी की रिस्क शादीशुदा आदमी कौन लेता है आज आप सड़क न... पर उतर रहे हैं ऐसी कोई हाँ उतर रहा हूँ सड़क पर उतर रहा हूँ मेरा मन कर रहा है मैं फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूँ मेरे माँ बाप दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे चौरंगी में रहते थे मेरी माँ सत्रह साल की थी जब उसकी शादी हुई विद इन टू वीक्स शी वाज इनसाइड द जेल फॉर एंटायर यूथ मैं उनका बेटा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं पहले नक्सल रह चुका हूं मैं जेल जा चुका हूँ कई बार अपने कॉलेज जीवन में मैंने पुलिस की लाठियां खाई है मैं तो मैं लोग सोचते हैं फिल्म मेकर है तो ये कुछ जानते नहीं होंगे ऐसा नहीं है भाई ये मेरा देश है तुम्हारा है यार ये जमीन हमारी है हर कुछ तो हमारा है। ये लोग कौन है कस्टोडियन बने बैठे हुए आज हमने क्या किया है सब कुछ अपनी जिंदगी अपना देश अपना समाज सब कुछ आउटसोर्स कर दिया पॉलिटिशियंस को जैसे कोई और चला रहा है हमारे देश को किसी और की प्रॉपर्टी है हमारा कोई लेना देना नहीं है आर्जी, आर्जी कर की घटना पर क्या कर की पे मुझे ऐसा लगता है इज एन पुलिस, पुलिस, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिले इसलिए उसने वैसा काम किया है वरना आप मुझे बताइए आप खुद मुझे बताइए कुछ भूल जाइए बंगाल है इंडिया में कहीं पे भी अगर एक लड़की का मर्डर हुआ रेप हुआ जो कि डॉक्टर है डॉक्टर है मतलब में आती है वो ऐसा नहीं कि कोई नॉट अ नो बडी नो बडी नहीं है वो ठीक है उस पर अगर हुआ है और सुबह पता चलता है तो कितने टाइम बाद आपका एजम्सन है कि एफ आई आर हो जाएगी या कुछ होगा कुछ तो होगा ना भाई कुछ तो एक सेट स्टैंडर्ड होंगे मेरा ऐसा मानना है कि अगर सुबह पता चलता है तो अगले दो तीन घंटे में तो होनी ही चाहिए फर्स्ट थिंग तो वह पुलिस पहुंची ही जानी चाहिए लेकिन अगर इतना डिले किया गया उसमें जो भी कोई नो एक्सक्यूज सुप्रीम कोर्ट ने कितनी इस यही तो बात पर डांट लगाई है नंबर वन दैट आई थिंक सेकंड थिंग वेयर वॉज द हरी टू ट्रांसफर दैट पर्सन इंस्टेंटली अगर इस रूम में कुछ हो जाए तो क्या मैं भाग जाऊंगा यहां से कहीं और दूसरे रूम में चला जाऊंगा नहीं आई स्टे बैक ना टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम स्टेइंग स्टेगर आपके साथ कुछ हो जाए तो मैं रुकूंगा कि भाग जाऊंगा यहां से बताइए आप थर्ड थिंग ये भी मैं समझने को तैयार था चलो हो सकता है इन हो कुछ गड़बड़ है सरकारी है, ऐसी है लेकिन वन द चीफ मिनिस्टर मुझे आज तक नहीं समझ में आया अगर बीजेपी प्रोटेस्ट करती है मैं समझ सकता हूं ऑपोजिशन पार्टी उनका तो वही काम ही यही है लेकिन चीफ मिनिस्टर कैसे सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर सकता है अभी महाराष्ट्र में हुआ है कुछ दिन पहले तो क्या वहां का चीफ मिनिस्टर उतर आएगा अभी यूपी uh, में हुआ तो हाथरस उन्नाव में तो चीफ मिनिस्टर किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं यू नो सो दैट इज वन सेकेंड थिंग इज लाइफ देर इज नो राइट टू लाइफ इन बेंगाल आई एम विलिंग टू सेट ऑन रिकॉर्ड देर इज नो डिग्निटी ऑफ लाइफ इन बेंगाल देर इज नो वैल्यू ऑफ लाइफ इन बंगाल एंड डेफिनेटली देर इज नो राइट टू लाइफ इन बेंगाल एनी बडी कैन बी किल्ड एनी टाइम इन दिस प्लेस पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है आप आरोप लगा चुके हैं पहले भी बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगता रहा है क्या कहेंगे मैं कुछ ही कहूँगा स्टैटिस्टिक्स सामने मैं क्या बोल सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स तो है ही नहीं यहाँ की ऐसा तो नहीं है कि नहीं है आप देखिए मुर्शिदाबाद वगैरह की स्टैटिस्टिक्स देखिए आप परगना की देखिए चौबीस परगना की देखिए आप सुंदरबन की स्टैटिस्टिक्स देखिए आप कलकत्ता की देखिए लास्ट टाइम मैं जब आया अच्छा चलिए स्टैटिस्टिक्स छोड़ देते हैं मैं जब लास्ट टाइम मेरी बुक का लॉन्च था वो मॉल में नाम भूल गया हूँ वो नहीं मॉल है जहाँ पे सब लोग घुस गए थे गर्मी के दिनों में अंदर और रहने लगे वो गोयनका का जो मॉल है संजीव गोयनका का जो मॉल है वहाँ मेरा लॉन्च था वेल पब्लिसाइज था गलती यही हो गई कि वेल पब्लिसाइज था मैं निकला तो पाँच बजे फंक्शन था साढ़े चार बजे जब मैं नीचे गाड़ी में बैठने गया तो मुझसे बोला कि मना कर दिया गया आप वहाँ नहीं जा सकते मैंने क्यों कहते नहीं वो मुस्लिम एरिया में है और आप जाएंगे तो टेंशन क्रिएट होगा यू आर नॉट अलाउड टली इमीजिएटली मैं दूसरे मॉल में फिर गया वहाँ हुआ पर आ, ऐसा और तो इंडिया की किसी और स्टेट में नहीं होता सिर्फ कश्मीर में होता है मेरे साथ ऐसा और बंगाल में होता है तो मतलब ये दो स्टेट में कहीं डी एन ए की नहीं है न्यूज एटीन इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशिका सिंह न्यूज एटीन इंडिया